सप्ताह के लिए महिला ने अपंग पति का दौरा किया, तस्वीर के रूप में आने में मदद, वायरल चला गया। पति के पैर को विच्छेदित करना पड़ता था। महिला उसे एक विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए स्वास्थ्य केंद्र में वापस ले जाती है। पिछले कुछ महीनों से हर दिन बिमला देवी अपने पति को एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में वापस ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट गीता विहार में अपने घर से तंत्रिका से संबंधित बीमारी के बाद उसका पति बदन सिंह का दाहिना पैर कट दिया गया था। सरकारी अस्पताल से एक स्वतंत्र व्हीलचेयर को विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और बिमला मथुरा में एक के लिए स्वास्थ्य केंद्र के दौर कर रही है। हम कई अलग अलग कार्यालयों में गए लेकिन अभी भी विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, बिमला ने बताया। आखिरकार क्या मदद मिली थी? बिमला की पीठ पर उनके पति को लेकर दिल की धड़कन वाली छवि, जो व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा की गई। राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यह एक सभ्य देश में शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि वह इस युगल की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अंत में बिमला को आज प्रमाण पत्र मिला। बिमला ने अपने पति के लिए व्हीलचेयर पाने के लिए अपने संघर्ष का वर्णन करते हुए कहा, हम गहरी परेशानी में हैं, हमारी वित्तीय स्थिति बहुत बुरी है, हम हर दिन चक्र रिक्शा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिमला का घर एक बार खुश था, उसका पति एक ट्रक चालक था और इसे पाने के लिए पर्याप्त कमाई करता था। पिछले साल बिमला के पति ने अपने पैर में थक्के विकसित किया, जो गड़गड़ाहट में बदल गया और इसे विघटित करना पड़ा। दंपति के मेडिकल व्यय में बढ़ोतरी हुई और बिमला पर पूरे वित्तीय बोझ गिर गया। अब वह घर पर फंड्स गया है और उसे अपने आप ही सब कुछ प्रबंधित करना है। व्हीलचेयर के साथ वह अब बेहतर जीवन के लिए तत्पर हैं।